जी क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल एक मोबाइल की क्लास बनाई है, और मोबाइल की क्लास बनाने के बाद मैंने उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, जैसे नेम होगा तो वो स्ट्रिंग में होगा, इसलिए मैंने स्ट्रिंग की डेटा टाइप यूज की, सिंपल जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये मेरे पास सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्टिंग हो गई, एंड देन जो जो मेथड जो क्लास मोबाइल की क्लास परफॉर्म कर सकती है वो मैंने मेथड बना दिए कॉलिंग, और उसके आगे मैंने सिंपल एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट डाल दी, टेक्स्ट मैसेजेस सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज रिंगिंग इट्स रिंगिंग, ठीक है। मैंने इस तरीके के मेथड बना दिए और क्लास को एंड कर दिया। ये क्लास मेरे पास यहाँ पे एंड हो गई। क्लास की बॉडी के अंदर मैंने 4 एट्रीब्यूट्स एंड 3 मेथड जो है वो डिफाइन किए। नहीं, अगर आप विदाउट पब्लिक एट्रीब्यूट लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएंगे, तो फिर आप उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकोगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाओगे तो, इसीलिए पब्लिक लगाना जरूरी है। पब्लिक का मतलब ये है कि दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास एज वेल, और अगर आप इसको कुछ भी नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो प्राइवेट होगा वो प्राइवेट अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कि ये सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है। एक मेथड हम और बना देते हैं जिसमें ये सारी चीजें हमारे पास प्रिंट होने हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल, ठीक है। प्रिंट ऑल के मेथड के अंदर हम क्या प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग भी दे देते हैं, क्या था हमारे पास नेम, एक जगह मैं इस तरीके से प्रिंट करवा देती हूँ, एक जगह कंकैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू करवा देती हूँ। मॉडल इज प्लस मॉडल, ठीक है। मैंने दोनों, ये दोनों डिफरेंट मेथड्स ही हम पीएफ में देख चुके हैं, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। मॉडल है, कलर है और वेट है। ठीक है, फिर हम कर देते हैं वेट इज एंड नेक्स्ट इज कलर, ठीक है। तो मैंने ये एक मेथड बना दिया और जिसमें मैं सारी की सारी चीजें प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ये सिंपली एक ब्लू प्रिंट है, एक सिंपल एक टेम्पलेट है, ठीक है। मैं रन करूंगी ना तो मेमोरी में ये कुछ स्पेस लेगा ना ही मुझे कुछ प्रिंट करके देगा, ठीक है। मैंने सिंपल ये जो क्लास है इटसेल्फ मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रहा था, ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, अच्छा जी। कुछ साथ साथ आप लोगों के चैट्स में कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी पढ़ रही हूँ। रूट को मैं आंसर कर चुकी हूँ कि आपके बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाएंगे तो वो प्राइवेट होगा, और उसकी जो फंक्शन एक्सेसिबिलिटी है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मीन्स आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे आउटसाइड द क्लास। प्रकाश का क्वेश्चन है, क्लासेस क्लास प्रोग्राम के अंदर बनेंगी या बाहर, क्लास हमेशा आउटसाइड अनदर क्लास बनेगी। तो एक क्लास जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ही फाइल है जिसमें पहले से एक क्लास बनी हुई थी फर्स्ट प्रोग्राम की, जिसके अंदर एक मेन मेथड था जो एंट्री पॉइंट है, मैंने इस क्लास की बॉडी के बाहर एक और क्लास बनाई है। सो हम क्लास के अंदर क्लास डिफाइन नहीं करेंगे, किसी भी क्लास की बॉडी के बाहर क्लास डिफाइन करेंगे, और क्लास इटसेल्फ कोई मेमोरी में स्पेस नहीं लेंगे जब तक कोई ना कोई मेथड और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए, मैंने पब्लिक क्लास मोबाइल, इस क्लास को जब मैं रन करूंगी तो कुछ भी मेरे पास रन नहीं होगा, और रन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, इस प्रोग्राम में देखेगा कि कहीं भी इस फाइल में मेन मेथड है, मेन मेथड में गया, मेन मेथड में कोई फंक्शनलिटी नहीं है, तो ये कुछ भी रन नहीं करेगा। और क्लास मोबाइल इटसेल्फ ना तो मैंने कहीं कॉल किया ना ही इसके एट्रीब्यूट्स को मेथड को कहीं कॉल किया है, तो ये मेरे पास एक्सेस नहीं होगा, तभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, चैट में सिंगल लाइन में पब्लिक मेंशन कर सकते हैं, सिंगल लाइन में पब्लिक मेंशन कर सकते हैं मतलब,
अली आपको क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, सिंगल लाइन में पब्लिक मेंशन कर सकते हैं मतलब हर एट्रीब्यूट के साथ साथ उसकी एक्सेस मॉडिफायर आएगा ना, जैसे नेम है उसको पब्लिक रखना है तो पब्लिक, मॉडल है उसको पब्लिक रखना है तो पब्लिक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बना दी। अब ये क्लास ना तो मेमोरी में कोई स्पेस ले रही है ना ही रन होने के बाद कुछ आउटपुट मुझे प्रिंट करवा रही है, ये सिंपली क्या है, एक टेम्पलेट बन गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए या मेथड को एक्सेस करने के लिए आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इस मोबाइल की क्लास के अंदर ही एक और मेथड बनाऊं जिसको मैं मेन मेथड करूं, ठीक है, वहां ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा आपका रन मेन से होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, पीएफ से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोग्राम हमेशा एंट्री पॉइंट कहाँ से मिलती है, मेन से, मेन मेथड से। तो जब तक इस क्लास में मेन मेथड नहीं होगा इस क्लास को एक्सेस हम नहीं कर सकते। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहीं पे इस क्लास के अंदर ही एक और मेथड बनाऊं मेन मेथड, और इससे बेटर एक और तरीका ये है कि मैं एक और क्लास बनाऊं, जैसे ये मेरे पास क्लास बनी हुई है इसके अंदर मेन मेथड हो और इस मेन मेथड से मैं इस मोबाइल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और ऑब्जेक्ट करने बनाने के बाद मैं इस क्लास मोबाइल को एक्सेस कर सकूं, विच इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो फिर इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, ये जो मोबाइल क्लास है, ये मोबाइल क्लास मेरे पास कौन सी क्लास हो जाएगी, यूटिलिटी क्लास, यूटिलिटी क्लास और टेम्पलेट। और जिस क्लास के अंदर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, जो कि मैं कह रही हूँ ये फर्स्ट प्रोग्राम वाली क्लास के अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो ये क्लास मेरे पास कौन सी बन जाएगी, ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास मीन्स ये कि इस क्लास को एक्सेस करने के लिए, ड्राइव करने के लिए मैंने एक और क्लास यूज की है। फर्स्ट प्रोग्राम मेन मेथड, हमेशा आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम कोशिश करेंगे कि मेन मेथड के बनाए अंदर बनाए एंटिल कोई रिलेशनशिप ना हो जब तक, ठीक है। सो मैंने क्या करना है, मैंने इस मोबाइल की क्लास को एक्सेस करना है, मैंने एक मोबाइल जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना है मोबाइल का, ठीक है, सैमसंग और उसका मॉडल, ये सारी स्पेसिफिकेशन फिल इन करनी है और ये मेथड यूज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं जाऊंगी मेन मेथड में जो कि किसी और क्लास में डिफाइन है, आउटसाइड दिस मोबाइल क्लास एक और क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड डिफाइन है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मुझे मोबाइल की क्लास को एक्सेस करना है तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए नेम ऑफ क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, स्पेस के बाद आपके पास क्या होगा, मैं एक साथ ही कर देती हूँ, नेम ऑफ क्लास स्पेस, उसके बाद नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आप वो ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में स्टोर होगा तो किस नाम से स्टोर होगा, देन इज इक्वल टू, देन न्यू का कीवर्ड एंड देन हमारे पास नेम ऑफ क्लास का एक कंस्ट्रक्टर, इसको हम इस तरीके से, जो हमारे पास क्लास है उस क्लास को जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा और राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए अगर मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मेरे पास मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, मेरे पास क्लास क्या है, मोबाइल, जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास नेम ऑफ क्लास में आ जाएगा क्लास का नेम, देन मेरे पास नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहूँ, लेट्स से मैंने कहा कि M1 इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड ऐसे आ गया और फिर नेम ऑफ क्लास अगेन मेरे पास क्या आ जाएगी, क्लास का नाम और ये राउंड ब्रैकेट्स। सो दिस इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर एनी क्लास, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का नाम, वो ऑब्जेक्ट मेमोरी से जिस में जिस नाम से डिस्टिंग्विश होगा स्पेस लेगा M1 इज इक्वल टू न्यू और फिर दोबारा से क्लास का नाम विथ राउंड ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। एग्जैक्टली, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखना चाहें आपकी मर्जी है कि आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप, मैंने यहाँ पे M1 रखा है, आप सिंपल M रख सकते हैं, आप मोबाइल 1 रख सकते हैं, आप X1 रख सकते हैं, वट एवर वो आप चाहें आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन हमने पढ़ी थी पीएफ में वही ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी होगी,
अब ये क्या बन गया, जैसे अब मैं रन करूंगी, अभी भी रन करने पर कुछ भी मुझे ये शो नहीं कराएगा, रन हो गया। लेकिन रन होने पे ये एक काम अब ये करेगा कि मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में जाके M1 का एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में जाके किस तरीके से बनाएगा, M1 जिसके लिए सारी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इन सारी फील्ड्स को सेट नहीं करा, नेम मॉडल कलर वेट, ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने M1 का ऑब्जेक्ट बनाया, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो रनिंग मोड पे ही, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे ये जो न्यू का कीवर्ड है, ये न्यू का कीवर्ड उसी वक्त जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा तभी मेमोरी में सर्च करेगा, देखेगा कि कौन सी ऐसी फ्री स्पेस है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है ये कंपाइलर। तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, रन टाइम पे मेमोरी के हीप एरिया में जाके M1 का एक ऑब्जेक्ट जिसके लिए स्पेस रिजर्व कर देगा। अब मेमोरी बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, हीप एंड स्टैक। हीप एरिया कौन सा होता है, जिसमें डायनामिकली एलोकेशन होती है, रन टाइम पे वैल्यूज वहां असाइन होती हैं। और स्टैक कौन सा वाला एरिया होता है, जैसे कि अगर मैं इस प्रोग्राम में मेन में अगर मैं कह रही हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी तो ये क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे मेमोरी में जाके ए को 4 bytes दे देगा, क्योंकि इंटीजर कितना लेता है, 32 bits, 32 bits is equal to 4 bytes, तो ये compile time पे ही मेमोरी में A के लिए जगह जाके रिजर्व कर देगा और A को एक वैल्यू असाइन कर देगा, और ये कहाँ करेगा, स्टैक मेमोरी के स्टैक एरिया में, जो कि जब compile time पे आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होता है, मेमोरी के स्टैक एरिया पे compile time पे। लेकिन ये यहाँ पे M1 को कब रखेगा, compile time पे कोई स्पेस नहीं देगा, जब प्रोग्राम रन होगा तो न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा, डायनेमिकली मींस रन टाइम पे उसी वक्त। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये डायनेमिक है, और जो डायनेमिक होता है वो कहाँ होता है, हीप एरिया में मेमोरी के होता है, और ये क्या है, ये मेरे पास स्टैटिक है। स्टैटिक मींस जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी में एलोकेट करेगा, और कौन से एरिया पे करेगा, स्टैक एरिया पे। मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक है, मेमोरी इज डिवाइडेड into two portions, stack and heap. ठीक है, इसको comment कर देती हूँ मैं. Memory is divided into two portions, stack and heap. ठीक है, जो हमारे पास simple variable declaration होती है, जो हमारे पास जो हम simple variable की declaration initialization कर रहे होते हैं, सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टोर्ड इन स्टैक एरिया एट कंपाइल टाइम, जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तभी ये मेमोरी में जाके स्टैक वाले एरिया पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा, व्हाइल एज ऑब्जेक्ट्स जो हमारे रेफरेंस टाइप्स हैं, सिंपल वेरिएबल्स हम इसको क्या कह सकते हैं, या हम इनको कह सकते हैं प्रीडिफाइंड data type, जो predefined data types हैं हमारे पास, predefined data types कौन सी हैं class? जी class, आप लोग बताएंगे predefined data types कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, int और अच्छा string को जो है ना हम reference type consider करते हैं, इसलिए string को हम predefined नहीं कह रहे, strings are object type, इंटीजर हो गया, बूल हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, ये सारी हमारे पास कौन सी डेटा टाइप्स हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो जब हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ, तो ये मेमोरी के जो है वो स्टैक एरिया पे कंपाइल टाइम पे जाके स्टोर होगी, दैट इज प्री डिफाइंड। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप, ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप। जैसे मैंने M1 यहाँ पे क्रिएट किया, तो M1 स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहा है, इंटीजर भी कर रहा है, इट मींस कि इसमें हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। सो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग पे वैल्यू नहीं रख रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू रख रहे हैं। इसको एक्सेस करने के लिए पहले मुझे M1 का लिंक चाहिए होगा, यानी कि मुझे रेफरेंस चाहिए होगा, फिर मैं उस नेम मॉडल और कलर की तरफ को एक्सेस कर सकती हूँ। सो ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप्स एंड आर
stored in heap area of memory at runtime. यानी कि रन टाइम पे ही कंपाइलर क्या करेगा, उसी वक्त डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा ऑब्जेक्ट्स को. अच्छा, आवाज अब कुछ क्लियर हुई क्लास? स्लो आ रही है आवाज? कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि आवाज स्लो आ रही है. नो मिस, बिल्कुल सही है. ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ू. अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को, क्यूरी को सॉल्व करके फिर हम आगे बढ़े. जी क्लास, कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े. मिस जी, मिस आप हीप में बताइए डायनेमिक और स्टैक में, मिस आपने एक वर्ड बोला था, क्या था? स्टैक में एक वर्ड बोला था, क्या बोला था? रन कंपाइल टाइम. जी मिस, कंपाइल टाइम पे जब जब आप प्रोग्राम के दो फेजेस होते हैं ना, पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसके बाद फिर रन होता है. सो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है या जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं, वो उसी वक्त कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी में उसको स्पेस आपका कंपाइलर एलोकेट कर देता है, जो कंपाइल टाइम होता है. फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो कब होते हैं, जब प्रोग्राम रन होता है, रन टाइम पे डायनेमिकली रनिंग मोड पे ही आपका कंपाइलर रन टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है कि इस ऑब्जेक्ट को क्या मेमोरी स्पेस देनी है, और वो कहाँ जाके करता है, मेमोरी के हीप एरिया में जाके रन टाइम पे. इसीलिए हमने यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज किया है. ये न्यू का कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है. ठीक है, अब होगा क्या, मैं आपको जरा इसका मेमोरी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ. मैं एक वर्ड की फाइल ओपन कर देती हूँ जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके एक पूरा चार्ट बना देती हूँ कि ये किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा. Meanwhile, जब तक मेरे पास ओपन हो रहा है वर्ड, आप अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. मैम इसका आउटपुट कैसा आएगा? आउटपुट बताती हूँ अभी. हमने अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, इन ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम इन फील्ड्स को सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम मेथड्स को कॉल करेंगे, तो फिर वो मेथड की जो कंसोल और पाइपलाइन की स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगी हमारे पास. एग्जैक्टली रन टाइम पे स्टोर होगा. वॉइड का मतलब है कि मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. प्रकाश, ठीक है, वो जो वहां मैंने स्टेटमेंट लिखी थी उसको मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ. वर्ड की फाइल शो हो रही है? यस मैम, हो रही है. ओके, ठीक है. अब मैंने जैसे ही मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू 1 किया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बैक, मैं आपको बैकग्राउंड का बता रही हूँ कि बैकएंड पे क्या हो रहा होगा. बैकएंड पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास लेट से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये पूरी एक मेरे पास मेमोरी एरिया है, ठीक है, ठीक है. अब मैंने जैसे ही मोबाइल M1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल किया, ये क्या करेगा, मेमोरी में जाके एक स्पेस एलोकेट कर देगा M1 को. ठीक है, इसने क्या किया, मेमोरी में जाके M1 को एक स्पेस एलोकेट कर दी. ये स्पेस किसकी है, M1 की. मैं इसको लिंक कर देती हूँ, ये मेरे पास एक M1 बन गया. अब ये M1 क्या है,
ये मेमोरी में जाके इसने ये पूरी एक जो एरिया है ये किसके लिए एलोकेट कर दिया, एम वन के लिए। अब एम वन के लिए ये वो जो मैंने वहां पे चार कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, नेम, कलर, मॉडल, कंपनी, ये सारी यहाँ पे आके इसकी वैल्यूज को अभी क्या करेगा, मैंने किसी भी वैल्यू को सेट नहीं किया। तो यहाँ पे जो ये वाली चीज है ना जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने ये क्यों किया, ये यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल मेथड के तौर पे यूज हो रहा है विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का ये करता है, कंस्ट्रक्टर का नेम बिल्कुल सेम वही होता है जो आपके क्लास के नाम के इक्विवेलेंट होता है। ये करता है कि ये आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू पे जाके सेट कर देता है। मतलब अब मोबाइल के लिए मैंने जो चार कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए थे वो चार कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, स्ट्रिंग नेम, कॉमा, मैं यहाँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू डिफाइन कर रही हूँ, स्ट्रिंग, मॉडल और क्या था मेरे पास, कलर, स्ट्रिंग कलर और फ्लोट, वेट, हाइट, हाइट या वेट, सॉरी वेट था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे ये जो न्यू का कीवर्ड रन टाइम पे M1 में जाके मेमोरी एलोकेट कर देगा एक एरिया, और ये मोबाइल क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इन सारी वैल्यूज को डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा, क्योंकि मैंने अभी खुद से कोई वैल्यू सेट नहीं कराई। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है और फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। तो ये यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके करेगा नेम इज इक्वल टू एम्प्टी नल स्पेस, यानी कि कोई नेम नहीं है। फिर उसके बाद मॉडल इज इक्वल टू नल, नल का मतलब नथिंग, कलर भी स्ट्रिंग है सो स्ट्रिंग भी मेरे पास नल होता है, नथिंग, और वेट है, वेट को क्या कर देगा, इज इक्वल टू फ्लोट है वेट तो इसकी क्या वैल्यू होती है, जीरो। तो ये मेमोरी में जाके इस तरीके से जाके इस ऑब्जेक्ट को के लिए स्पेस बना देगा और उसके लिए ये वैल्यूज कर देगा। फिर लेट से मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया वही उसी सेम क्लास के लिए मोबाइल, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम सेम नहीं हो सकता, जो मैंने M1 रखा है मुझे इसके अलावा कोई और नेम चूज करना पड़ेगा। लेट से मैंने M2 कर दिया, M2 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, ठीक है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो M1 का एक ऑब्जेक्ट तो बना हुआ, इसने क्या किया, एक M2 का एक और ऑब्जेक्ट बना दिया मेमोरी में, क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया M2 के नाम से, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर देती हूँ, इसका नाम है M2, यानी कि हर ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग अलग जगह पे जाके स्टोर हो रहा है। तभी हम इसको कह रहे थे कि ये क्या है, मॉड्यूलैरिटी है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब ये M2 के लिए भी क्या करेगा, क्योंकि मैंने कोई नाम मॉडल वगैरह सेट नहीं किया तो इसके लिए भी ये सारी चीजों को क्या कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। ठीक है, यही चीज इसने नेम, मॉडल, कलर, वेट, जीरो डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वापस वहां जाती हूँ अपने कोड में, अब मैं कोड में जाके कुछ चेंजेस करती हूँ, चेंजेस क्या करती हूँ, बल्कि मैं जैसे मैंने ये M1 बनाया है। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, शेयरिंग हो रही है क्लास आपके पास, एडिटर सी शार्प का एडिटर भी हो रहा है, यस मैम हो रहा है, ओके। अब मैंने जैसे ये M1 बनाया, मैंने यहाँ पे M1 डॉट, तो आप देखें उस क्लास के मोबाइल की क्लास की सारी चीजें मेरे पास शो हो गई, मॉडल, नेम, कलर, यानी कि अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो सारे एट्रीब्यूट मेरे पास एक्सेसिबल है, ठीक है। मैंने M1 डॉट नेम स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, M1 डॉट नेम इज इक्वल टू लेट्स से सैमसंग। फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने कहा M1 डॉट मॉडल इज इक्वल टू J5, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू उसी एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं दे रही हूँ M1 के लिए, M1 डॉट कलर इज इक्वल टू M1 डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक। अब मैं ये सारी
जो है वो वैल्यूज दे रही हूँ उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और लास्ट मेरे पास क्या रह गया, m1.weight, वेट फ्लोट में है तो आगे हम एफ भी मेंशन करेंगे। लेट्स से हम इसको कितना वेट दे रहे हैं, क्या वेट हो सकता है मोबाइल का, पता नहीं, व्हाटएवर, इसको हम कर देते हैं 5 grams में होता है, grams में होता है ना, यस मिस ग्राम, ठीक है, तो हम इसको ग्राम में दे देते हैं, लेट्स से, ठीक है, 5 floats, एफ इज रिप्रेजेंट फॉर फ्लोट, ठीक है। मैंने ऐसे इसको वैल्यूज दे दी। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब ये वैल्यूज चली गई, अब मैंने इसको रन किया, इसने अगेन मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करके दिखाना, लेकिन मेमोरी में जाके ये वैल्यूज M1 के लिए जाके अपडेट हो जाएंगी। वापस वर्ड की फाइल पे जाते हैं, ठीक है, ये जाएगा M1 के लिए, मैंने वो सारी चीजें स्पेसिफाई की थी, ठीक है। M1.name is equal to this, इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसको मैं वर्ड की फाइल में आपको बताती हूँ कि ये काम करने के बाद मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा M1 मेमोरी में जाके, क्योंकि M1 के नाम से स्टोर हुआ है, तो अब ये नेम को, क्योंकि नेम तो ये भी है और नेम ये भी है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा, थ्रू द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मैंने M1 के नाम से कह रही हूँ कि M1 का नेम कर दो सैमसंग, तो ये मेमोरी में जाएगा, M1 को रेफर करेगा, और M1 के रिस्पेक्ट से नेम क्या कर देगा, M1.name is equal to Samsung, मॉडल क्या कर देगा J5, और कलर क्या कर देगा मेरे पास ब्लैक, और वेट कितना कर देगा 5। सो ये M1 के रिस्पेक्ट से मेमोरी में जाके अपडेशन करेगा, इसका M2 से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर अब हम क्या करते हैं, हम वापस वहां जाते हैं अपने कोड में, और कोड में जाके वो जो हमारे पास मेथड्स थे वो सारे के सारे मेथड्स हम कॉल कर देते हैं, m1.calling, और मैं एक और मेथड कर देती हूँ m1.printAll वाला जो था ना वो। अब ये मुझे रन करके दे, रन तो पहले भी हो रहा था, मेमोरी में स्पेसिफाई भी कर रहा था, लेकिन मुझे एज ए आउटपुट पे कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा था। तो अब जब मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, इसने कॉलिंग वाला मेथड कॉल किया M1 के नाम से, ऑब्जेक्ट के नाम से, तो कॉलिंग वाले मेथड में क्या प्रिंट हो गया, कॉलिंग। फिर इसने क्या किया, वापस आया, m1.printAll कॉल किया, printAll में जाके मोबाइल नेम इज सैमसंग, वो मॉडल नंबर नेम इज दिस, वेट इज दिस, मोबाइल कलर इज ब्लैक। अब ये वैल्यूज प्रिंट कहाँ से करवा रहा है, मेमोरी से ला रहा है, ये जो इसने मेमोरी में स्टोर करा था M1 के रिस्पेक्ट से, m1.printAll, तो printAll के मेथड में गया, printAll में इसने देखा मोबाइल नेम इज नेम, तो ये मेमोरी में गया, नेम मॉडल और वेट और कलर कौन सा उठा के लाया, जिसके नाम के साथ इसने इस मेथड को कॉल किया है, किस नाम के साथ किया है, M1। तो मेमोरी में M1 की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लाके इसने printAll के मेथड में अकॉर्डिंगली प्रिंट करवा दी, जिस तरह मैंने printAll के मेथड में प्रिंट करवाई थी, नेम मॉडल वेट वन बाय वन ये चीजें उठाएगा, प्रिंट करवाएगा, और किस ऑब्जेक्ट के नाम से उठाएगा, M1 के नाम। अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, जैसे मैंने वहां पे बनाया था मोबाइल M2, ठीक है, मोबाइल M2 इज इक्वल टू, आपने जो F लगाया है फ्लोट के लिए, जी, तो ये मैम कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्लोट के लिए, और प्रिंट भी नहीं करवाया इसने F, क्या मतलब फ्लोट के लिए मैम आपने F यूज करा, हम्म, तो यहाँ अगर फ्लोट पूरा लिखें, फ्लोट पूरा नहीं लिखते ना, डिक्लेरेशन जब वेरिएबल की फ्लोट के साथ होती है तो एफ यूज होता है ना हमेशा, फ्लोट बेसिकली पॉइंटिंग वैल्यूज के लिए होता है, लेट्स से अगर मेरे पास वेट 5.87 है, तो मैंने पॉइंट्स की वैल्यू को यूज करने के लिए फिर हम आगे एफ लगा देते हैं। फ्लोट को जब भी हम फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू दे रहे होते हैं तो हमेशा से जो भी वैल्यू है उसके बाद हम एफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया मोबाइल M2 is equal to new mobile, और मैंने इस M2 में कोई वैल्यूज नहीं रखी, ठीक है, जैसे मैंने M1 में तो जाके वन बाय वन सारी वैल्यूज सेट की, ये अभी बिल्कुल हमारा वैसे ही हो गया जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था वर्ड का, मेमोरी में इस तरीके से स्टोर हुआ है M1 और ये M2, M1 के लिए मैंने वैल्यू सेट की थी तो ये M1 के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली मेमोरी में जाके अपडेट हो गई, M2 के नाम से मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं की तो ये सारी वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। अब मैं वो वही मेथड प्रिंट ऑल का M2 के लिए भी कॉल करती हूँ,
ठीक है दोबारा जाते हैं न्यू शेयर। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गई तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट तो आप इजीली पिक कर लेंगे, लेकिन आज की क्लास समझ में आना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही कोर है कि हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स और वो ऑब्जेक्ट क्लासेस से कैसे लिंक हो रहे हैं। ठीक है मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, चलो यहाँ नहीं बनाती, नीचे मेथड कॉलिंग के बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया एम टू, और मैंने इस एम टू के लिए जिस तरह एम वन में अलग अलग जाके वैल्यूज रखी थी मैंने इस तरीके से वैल्यूज सेट नहीं कर पाई। मैंने क्या करा सिर्फ M2 का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं कह रही हूँ M2 डॉट इस ऑब्जेक्ट के साथ भी उस क्लास के सारे एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं। मैंने M2 डॉट प्रिंट ऑल कर दिया और मैं इसको रन कर दी, तो देखें ये क्या कर रहा है। M1 के रिस्पेक्ट से जो मैंने अपडेटेड वैल्यूज दी थी वही अपडेटेड वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी, लेकिन M2 के लिए क्या कर रहा है क्योंकि M2 के लिए मैंने कुछ वैल्यूज रखी नहीं थी, ये क्या कर रहा है ये वाला जो है ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है M2 के लिए सारी वैल्यूज डिफॉल्ट पे सेट कर रहा है मेमोरी में, क्योंकि उसको मेमोरी में तो स्टोर करना है ना कुछ तो वो सारी वैल्यूज डिफॉल्ट पे कर रहा है, डिफॉल्ट पे सेट कर दिया और मैंने कह दिया M2 डॉट प्रिंट ऑल, तो ये मेमोरी में जाएगा M2 को रेफर करेगा, M2 के थ्रू नाम उठाएगा, नेम में कुछ भी नहीं रखा नल है तो यहाँ पे मेरे पास नल आ गया। इसी तरह नेम भी नल है, वेट भी जो क्या था वेट मैंने जीरो दिया था क्योंकि फ्लोट वैल्यू थी और फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है इसीलिए इसने मुझे डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दिखा दी। इसी तरह मोबाइल की जो है ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है इसलिए इसने मुझे नल दिखा दी। हाँ अगर मैं कोई एक एट्रीब्यूट के नाम चेंज करूँ, लेट से मैं कह रही हूँ एम टू डॉट नेम इज इक्वल टू नोकिया, तो ये क्या करेगा मेमोरी में जाके सिर्फ एम टू की वैल्यू नेम को नोकिया करेगा। तो मैं शेयरिंग करके बता देती हूँ, ठीक है ये क्या करेगा M2 में जाके नेम को क्या कर देगा नोकिया, बाकी सारी वैल्यू जो मैंने सेट नहीं करी उसको डिफॉल्ट भी रखेगा। अब जब मैं कॉल करवाऊंगी नेम M2 डॉट नेम इज इक्वल टू नोकिया एंड M2 डॉट प्रिंट ऑल, अब जब मैं रन करवाऊंगी तो ये सिर्फ नेम को चेंज कर देगा नोकिया, बाकी सारी वैल्यूज वही डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी। ठीक है देखिए मोबाइल नेम इज नोकिया, नेम इज नल, वेट इज जीरो, मोबाइल कलर इज नल। जी क्लास यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है, समझ में आ गया है कैसे काम हो रहा है ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है? यस मैम। अच्छा फिर जल्दी से जरा अपनी अटेंडेंस सेंड कर लें। एग्जैक्टली आपके पास मल्टीपल एंट्रीज हैं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं।
जी क्लास, कोई और सवाल, कोई क्यूरी? अच्छा, तो आप एक काम ये करें कि ब्रेक पे अब हम जाएंगे, ये मीटिंग एंड हो जाए तो ठीक है। 4:15 हो रहे हैं मेरे पास, 15 मिनट्स की हम ब्रेक लेंगे, 4:30 पे दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब तक आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस जरा कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्रिएट करके। m1.calling इसलिए लगाया कि मैं इस कॉलिंग के मेथड को जो है मैं कॉल करवाना चाह रही हूँ इसलिए। अच्छा, अगर मैं इसको और मीनिंगफुल बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसको कर देती हूँ ठीक है, इसको हम कर देते हैं नेम कॉमा मॉडल। अच्छा, अब हम रन करते हैं। ठीक है, ये मुझे क्या कह रहा है, सैमसंग J5 मोबाइल इज कॉलिंग। अगर यही चीज एक ही मेथड है, यही सेम मेथड जब मैं कॉल करूंगी M2 के लिए, m2.calling, तो यही चीज यही मेथड कॉल होगा, लेकिन अब इसके लिए मेरे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, नोकिया इज कॉलिंग, नोकिया मोबाइल इज कॉलिंग, क्योंकि मैंने इसका जो है वो अभी मॉडल नेम कुछ सिलेक्ट नहीं किया, वो नल है, इसीलिए इसने मुझे यहाँ पे देखिए नोकिया आगे नल दिया, मोबाइल इज कॉलिंग। तो मेथड एक ही है, और मैंने इस एक मेथड पे क्या कर दिया ताकि मुझे ये पता चल सके कि कौन सा फोन जो है वो कॉल कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट टाइम की स्टेटमेंट में मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कॉल कर दिया, 01 मोबाइल इज कॉलिंग और आगे नेम और मॉडल। तो जिस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं कॉल करूंगी उसी ऑब्जेक्ट का नेम और मॉडल यहाँ आ जाएगा, और वो यहाँ पे स्टेटमेंट में मेरे पास इस कॉलिंग आ जाएगा। तो आप ऐसा प्रोग्रामर जितनी फ्लेक्सीबिलिटी लाना चाहें, ये आप जो है वो फ्लेक्सीबिलिटी अपने कोड में ला सकते हैं। अच्छा, ये पूरा कोड मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इसका साइज छोटा कर दूँ तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया यार, क्लास बनाई है मोबाइल की, उसमें इसके स्पेसिफिकेशंस रखी हैं, मेथड्स रखे हैं, एक प्रिंट ऑल का मेथड है जिसमें सारी चीज़ों को प्रिंट करवाया है। सिंपली वही काम है जो हम आज से पहले पीएफ में करते आ रहे थे, बस ये सारा काम अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं। फिर मेन एक और क्लास के अंदर जिसके अंदर मेन का मेथड है, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनके लिए वैल्यू को सेट करवाया और डिफरेंट मेथड्स को कॉल करवा दिया, बस दैट्स इट। रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा ना यूट्यूब पे, देखना रिकॉर्डेड लेक्चर और फिर उससे जाके खुद कोड करना, हर चीज कॉपी पेस्ट मिल जाए, खुद करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, और फिर साथ साथ चीजों को अमेंडमेंट भी करते रहोगे, जैसे मैं